हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये है 85 डर्म क्रीम। आज मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट 85 डर्म क्रीम के बारे में बताने वाला हूँ, हर एक चीज बताऊंगा। वीडियो पूरी देखिए, स्किप मत करिएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से लगाने के सीखने वाले हैं, किस काम में ये आती है। और परहेज क्या रखना है आपको, आपको कोई फंगल हो रहा है, दाद हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा 5 से 10 दिन में आपका। बस वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए ये है 85 डर्म क्रीम। इसमें देखिए बहुत सारे फॉर्मूले मिले हुए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हर एक चीज आपको पता चलने वाली। देखिए 15 ग्राम की ट्यूब है, इसके मैं बता देता हूँ इसकी एमआरपी के बारे में। देखिए इस पे एमआरपी लिखी हुई 95 रुपए, इस पे एमआरपी लिखी हुई है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेबोरेट इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए मेन इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए यूज करने का तरीका। अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो हर एक क्रीम के फायदे होते हैं और नुकसान बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यूज करने का तरीका अगर सही होगा आपका तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं होंगे, साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर गलत तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे साइड इफेक्ट भी होगा और फायदे बिल्कुल नहीं होंगे। तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊं उस तरीके से आप 85 डर्म क्रीम को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे फायदे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो देखिए 85 डर्म क्रीम जो है आपको सुबह शाम लगाना है, दांत जहां पर भी हो रही है, आपको स्किन इन्फेक्शन हो रहा है उस जगह पे अच्छी तरीके से लगाना है, ज्यादा रब नहीं करना, हल्के हाथों से हर जगह पे लगाना है। और देखिए रात को एक काम करिएगा, रात को आप सोते हैं तो एक बार लगा के हर जगह पे, जहां पे भी आपकी दांत हो रही है, जितनी जगह स्किन इन्फेक्शन हो रहा है किसी भी प्रकार का, उस जगह में आप इस क्रीम को लगा के सो सकते हैं। और देखिए इसका मेन बात आती है परहेज की। और देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसको ज्यादा ज्यादा लगा के जल्दी जल्दी ठीक करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपके और ज्यादा नुकसान देखने के लिए भी मिल सकते हैं। बस कम कम मात्रा में हर जगह अच्छी तरीके से लग जाए ये आप कोशिश करिएगा। देखिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ उसकी परहेज और क्या क्या चीज़ें आपको इस दब आपकी दाद होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है, तब आपको नहीं खानी होती। लेकिन सबसे पहले आती है खट्टी चीज़ें। खट्टी चीज़ें जो भी होती है, नींबू वगैरह, ये अचार वगैरह, ऐसी कोई भी खट्टी पदार्थ जो होते हैं वो आपको नहीं खाने होते हैं, बिल्कुल ही वो चीज़ आपको नहीं खानी है। ऐसी आपकी चीज़ होती हैं जो बाधी करती हैं, वो चीज़ें मत खाइएगा। मीठी वाली चीज़ें बिल्कुल आपको नहीं खानी है। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं, वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तो देखिए और जो तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप इस क्रीम को इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदे इसके होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।